हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स हम कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर रहे थे उसी सीरीज में हमने फंडामेंटल राइट शुरू किया था आर्टिकल 1, 2, 3, 4 12 से 35। फर्स्ट था 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 16 तक लास्ट वीडियो में देख लिया। आज आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को करना है। उसके लिए हमने ट्रिक भी देख रखी है याद करने के लिए 14, 15, 16, 17, 18 एड आउट करके, जिसमें 17 अनटचेबिलिटी नहीं करनी है। छुआछूत का अंत हिंदी में अनटचेबिलिटी को अस्पष्टता बोलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लें। अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी ए पनिशेबल ऑफेंस। सीधा मतलब है अस्पष्टता और इसका आचरण निषिद्ध किया जाता है। इससे उपजी कोई भी नियोजता लागू करने पर कानून अपराध होगा। इसी के तहत 1955 में 1955 में अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट अस्पष्टता अपराध अधिनियम आया। उसके तहत पनिशमेंट रखी गई। इसमें पनिशमेंट थोड़ी कम महसूस हुई, इसलिए इसी का दूसरा फॉर्म 1976 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से आया। ये बहुत स्ट्रिक्ट था। इसकी स्ट्रिक्टनेस पहले पॉइंट से ही पता लग जाएगी। ये नॉन कंपाउंडेबल पनिशमेंट था। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अगर आपने कोई जुर्म कर दिया तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। जैसे डाइवोर्स के केस में जज 2-3 महीने का टाइम देते हैं कॉम्प्रोमाइज करने का, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके तहत अगर आपने किसी माइनॉरिटी को पूजा करने से रोका, व्यापार करने से रोका, हॉस्पिटल जाने से रोका, माल बेचने से रोका, तो 1 से 6 माह की सजा थी। और पश्चातवर्ती दोष, मतलब अगर पहले टाइम आपने किया तो 1 से 6 माह की जेल, दूसरे टाइम किया तो 6 से 12 माह की जेल, थर्ड टाइम किया तो 2 साल तक की जेल, ऐसा था। इसके बाद सेकंड पॉइंट है उपधारणा, न्यायालय द्वारा उपधारणा। इसका मतलब यह है कि कोर्ट मान के चलेगी कि आपने अनटचेबिलिटी के तहत ही ऑफेंस किया है, जुर्म किया है, बेशक आपको उसका सरनेम ना मालूम हो। अगर आपने किसी के अगेंस्ट जुर्म कर दिया और वो माइनॉरिटीज निकला और उसने इसके तहत अगर आप पर कंप्लेन फाइन कर ली, तो कोर्ट ये मानकर चलेगा आपने माइनॉरिटीज को दबाने के लिए जुर्म किया और इसके तहत ज्यादा सजा है। सही, तो ये इससे और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। इसकी सीरियसनेस थर्ड पॉइंट से देखें आप, पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है आपको। फिर 1989 में प्रिवेंशन ऑफ एट्रिसिटीज एक्ट आया, अत्याचार निवारण अधिनियम। इसमें भी अपराध आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर, जबरदस्ती किसी को खाना खिलाना, पानी पिलाना, SC ST परिसर में कूड़ा सब फेंकना, कपड़े तरवाना, पोत कर घुमाना, सम्मानित करना, भूमि का भी अधिभोग कर लेना, जल भूमि से रोकना, दोषपूर्ण कार्रवाई करना, महिला का अनादर करना, ये सारे ऑफेंसेस इसमें आते थे। इसके अलावा अगर आपने SC ST के विरुद्ध झूठा बयान दिया जिससे उसको मृत्युदंड हो सकता था, तो आपको 7 साल की सजा होगी। आपके झूठे बयान से अगर उसको मृत्युदंड हो गया तो आपको भी मृत्युदंड होगा। इसके तहत अगर आपके ऊपर अपराध सिद्ध हो गया तो कम से कम 1 साल की तो जेल होनी है। यानी माइनॉरिटीज के ऊपर हो रहे अत्याचार को कंट्रोल करने के लिए ये नियम लाए गए, जो आर्टिकल 17 के तहत ही थे, छुआछूत का अंत। फिर है नेक्स्ट आर्टिकल 18, टाइटल्स का अंत यानी उपाधियों का अंत। ट्रिक से हम पहले ही देख चुके हैं, DOUT 18 में टी है यानी टाइटल्स का अंत। 1, 2, 3, 4 करके 4 क्लॉज हैं, पहले एग्जांपल देखेंगे सारा क्लियर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, हमें पता है हमारे इंडियंस को नाइटहुड की उपाधियां मिली थी, पहले केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी। ये तो केसर ए हिंद की उपाधि तो गांधी जी को मिली थी 1915 में, जिसको 1919 जलियांवाला बाग के इंसिडेंट के बाद इन्होंने वापस किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि मिली थी, वो भी सेम था, 1915 में मिली थी और 1919 में उन्होंने वापस कर दी थी जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। इससे पहले महाराजा की उपाधियां भी मिलती थी, पहले महाराजा सिंधिया, राज बहादुर की उपाधि मिलती थी, राय बहादुर की उपाधि मिलती थी। तीसरा एग्जांपल देखो, लॉर्ड डलहौजी, आपने देखा होगा लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था, उसको लॉर्ड की उपाधि थी। तो ये 18, 1, 2, 3 एंड 4 है, देखो कैसे। स्टेट वही वाला आर्टिकल 12 वाला स्टेट, कोई भी उपाधि नहीं दे सकता, ये महाराज, राज बहादुर, राय बहादुर, ये सारी उपाधि खत्म की जाती है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि डॉक्टर क्यों लगाते हैं, फिर इंजीनियर क्यों लगाते हैं, फिर कर्नल क्यों लगाते हैं आर्मी में, मेजर क्यों लगाते हैं आर्मी में। तो इसके दो एक्सेप्शन है, एक विद्या से रिलेटेड एजुकेशनल टाइटल है वो लगा सकते हैं, और मिलिट्री टाइटल है वो लगा सकते हैं। ये दोनों एक्सेप्शन में आते हैं। आप अंदर लगाइए ना, किसी को महाराज, राय बहादुर, राज बहादुर बोल रहे हैं और आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, बराबरी का अधिकार, इन टाइटल्स को देखते बराबरी का अधिकार तो खत्म ही हो जा रहा है, इसलिए ये वाले टाइटल्स नहीं लगा सकते, जबकि ये विद्या और मिलिट्री वाले लगा सकते हैं, एजुकेशनल मिलिट्री टाइटल्स। फिर दूसरे हैं ये नाइटहुड की उपाधि और केसर हिंद की उपाधि जो गांधी जी को मिली थी, यानी कि बाहर के लोगों ने इन लोगों को अपने इंडियन को दी थी। तो बाहर का कोई भी अगर इंडिया के किसी व्यक्ति को टाइटल्स देता है वो नहीं लिया जाएगा। एग्जांपल 2 क्लियर है। एग्जांपल 3 लॉर्ड डलहौजी, यानी बाहर का व्यक्ति हो और बाहर के लोग ने ही अगर कोई टाइटल देना चाह रहा हो तो उसको प्रेसिडेंट का कंसल्ट लेना पड़ेगा। जैसे अभी हमारे यहाँ रामनाथ कोविंद जी हैं, उनका कंसल्ट लेना पड़ेगा। अगर बाहर के व्यक्ति को जो यहाँ में यहाँ काम कर रहा है उसे बाहर का कोई कंट्री टाइटल्स दे रहा है तो उसे प्रेसिडेंट का कंसल्ट लेना पड़ेगा। और 18(4) में सिंपली लिखा हुआ है, कोई भी पर्सन जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया हुआ है यहाँ पर इंडिया में, वो बाहर से उपहार नहीं ले सकता, इमोल्यूमेंट्स वगैरह कुछ नहीं ले सकता। मतलब सिंपली 3 एग्जांपल से याद रखना, पहला है महाराजा तो आप समझ जाएंगे घर के लोग हैं और घर के ही टाइटल्स देने वाले हैं, दूसरे हैं नाइटहुड और केसर हिंद यानी यहाँ के लोग हैं, और फॉरेनर अगर कोई टाइटल्स देते हैं वो नहीं ले सकते, लॉर्ड डलहौजी यानी कि बाहर का कोई व्यक्ति है और बाहर का कोई टाइटल्स देना चाह रहा है तो प्रेसिडेंट का कंसल्ट जरूरी है, और यहाँ कोई पर्सन ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी है वो उपहार और इन्वॉल्वमेंट्स वगैरह नहीं ले सकता।
अब क्वेश्चन ये आता है कि जो पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न ये सब दिया जाता है, ये क्या है? ये भी तो एक टाइटल हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस गया, ये आर्टिकल 18 का उल्लंघन है। अपील करने वाले ने ये अपील की तो सुप्रीम कोर्ट ने दलील दी कि ये कोई उपाधि नहीं है, ये है उपहार जिससे दूसरों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोट डाल के ये लिखा कि कोई अपने नाम के आगे और पीछे ये टाइटल्स ना लगाए, जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ना बोला जाए, उनको बोला जाए भारत रत्न विजेता सचिन तेंदुलकर। अगर आप कभी सचिन तेंदुलकर को स्टेज पर बुलाते हैं और बोलते हैं कि अब मैं स्वागत करना चाहूंगा भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का, तो आप पढ़े लिखे नहीं कहलाएंगे, मतलब आपको ये माना जाएगा आपने आर्टिकल 18 नहीं पढ़ा। ये बोल सकते हैं अब मैं बुलाना चाहूंगा भारत रत्न विजेता सचिन तेंदुलकर। हालांकि अगर आपने पहला वाला बोल दिया कि अब मैं बुलाना चाहता हूं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, तो आपको कितने साल की जेल होगी? कोई जेल वेल नहीं होगी। पार्लियामेंट को इसके ऊपर लॉ बनाना था कि अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो क्या जेल होगी क्या होगा, लेकिन पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया। इसलिए अगर कोई गलती से यूज भी करता है ऐसा कुछ टाइटल्स तो उसके लिए अभी कोई सजा नहीं है, वार्निंग वगैरह देकर छोड़ा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 19 देखेंगे, राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेस। थैंक यू।